असिस्टेंट मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ, 78 सीसी का बिजनेस, 4 महीने हुए हैं इन इंसान को ज्वाइन करे हुए। अब बोलोगे व्हाट? जी हाँ, दिसंबर 2023 में इन प्रिया केसी, जो कि एक हाउसवाइफ है जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, इन्होंने हमारे साथ टीएलएफ फिटर्स को ज्वाइन किया था। और आज चल रहा है मई में, और पिछला जो अप्रैल गया है, अप्रैल में इन्होंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल विद 78 सीसी क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरे लिए तो खुद बहुत शॉकिंग की बात थी कि मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए 1.5-2 साल लग गया था। 4 महीने में इनका ऐसा क्या माइंडसेट था कि उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर दिया? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी इस सेशन में मिलने वाला है, इस वीडियो में मिलने वाला है। वन मोर थिंग, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग ऐसा दिमाग उड़ा देने वाला कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। खाली शो ऑफ नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं मिलेगी, सीधा काम की बातें मिलेंगी। भाई वो कैसे रहा है मार्केट में, ये सारी चीजें, ये नया ऑटोमेशन काम कैसे कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल। अलॉन्ग विद दैट, प्रिया केसरी का भी यूट्यूब चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। यू कैन कॉन्टैक्ट विद हर, आप इनके यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं किस टाइप का अमेजिंग कॉन्टेंट ये बना रहे हैं, और अच्छा एक यूट्यूबर क्रिएटर भी बन रहे हैं। सो चले फटाफट में हम आपसे डिस्कस करते हैं। प्रिया केसरी, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, क्या माइंडसेट था कि 4 महीने के अंदर आपने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर दिया, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुआ कैसे ये 78 सीसी अप्रोक्स 17-18 लाख का प्रोडक्ट रिटेल करवाना कंपनी का, इजी बात तो है नहीं। तो ये 17-18 लाख का बिजनेस आपने कर कैसे दिया 4 महीने के अंदर, क्या माइंडसेट था इसके पीछे का, सारे क्वेश्चन का आंसर हमारी ऑडियंस। इनवाइट करने के लिए मैं थोड़ा अपना इंट्रो देना चाहूंगी कि मेरा नाम प्रिया केसरी है और मैं यूपी मिर्जापुर सिटी में रहती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप सिटी नहीं है। और मतलब मैं इस बिजनेस को मिर्जापुर से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ये नहीं कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए किसी अदर सिटी में जाना पड़ा या कहीं ऑफलाइन वर्क करना पड़ा। मैं टोटल ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर से बाहर निकलना भी मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, मेरा बेटा भी है, तो सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ता है। तो सारा कुछ करते हुए मैं इस बिजनेस को स्टार्ट की, ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे। तो सर, अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे। तो हुआ क्या कि मैं फॉरएवर के बारे में मुझे पता चला था, फिर मैं सर्च कर रही थी कि आखिर ये बिजनेस क्या है, इसको मुझे करना चाहिए कि नहीं। वर्क फ्रॉम होम के लिए आया था, तो फिर मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि घर बैठे मुझे काम करना मतलब करने को मिल सकता है, वो भी बिना घर से बाहर निकले, मतलब कोई ट्रैवलिंग पे भी कॉस्ट नहीं लगाना है, घर से बाहर भी नहीं जाना है कि धूप है यार घर से बाहर कैसे निकले, बारिश है, ठंडी है, ये सब चीज़ को भी फेस नहीं करना, सिर्फ घर में बैठे बैठे एक कंटेंट क्रिएट करके इस बिजनेस को हम इतना ब्रॉड कर सकते, इतना फैला सकते हैं, ये मुझे यकीन नहीं था। और ये मुझे तब पता चला जब मैं टीएलएफ के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन की। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरा स्किल डेवलप हुआ, और यहाँ मुझे बिजनेस ऑटोमेशन फनल मिला, जिसके थ्रू हमारी क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा ईजली हो गई। मतलब मुझे किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस वहाँ आते हैं जहाँ हम सामने से लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन जो खुद बिजनेस करना चाहता है, जिनका खुद का माइंडसेट है, जो खुद इंटरेस्टेड है और हमारे पास है, तो वो मतलब रिजेक्शन के चांसेस वहाँ है ही नहीं, क्योंकि लोग लीड उनको कहते हैं कि बस कहीं से भी व्हाट्सअप नंबर ले लिया, इंस्टाग्राम नंबर ले लिया कहीं से, और उनको अप्रोच करने लगे, तो वो हमारी एक्चुअल लीड होती ही नहीं है। एक्चुअल लीड वो होती है जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। और हम यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर में हमें यही स्किल सिखाया जाता है कि हम किस तरह से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट में, न कि हम लोग सिर्फ कॉल करके लोगों को अप्रोच करें। तो यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और इस तरह से मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट आज आप लोग के सामने है कि मैं 4 मंथ में ये लेवल अचीव कर पाई हूँ। और ये सारा क्रेडिट मैं मतलब देती हूँ सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर को और खुद की मेहनत को। बहुत बढ़िया। तो अभी कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत लोगों का ड्रीम होता है मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई करने का, अभी आप उसका 75% कंप्लीट कर चुके हैं, असिस्टेंट मैनेजर आप बन चुके हैं, तो कैसा फील हो रहा है अभी? कि लग रहा है कि कुछ मतलब ये बिजनेस अच्छा है, पैसा आता है कि नहीं आता है? वो जो आपके डाउट्स थे स्टार्टिंग में कि सर कैश में इसमें पैसा आता है, तो क्या पैसा आया, आता है इसमें पैसा?
कि सर ये सारी चीजें, तो जब मैं स्टार्ट करने वाली थी तो मेरे माइंड में बहुत था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें किसी को अप्रोच ना करना पड़े, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात सुनते ही लोगों के माइंड में यही आता है अरे यार ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा। तो मतलब मुझे TLF मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि एलो हीट लोशन के साथ MSM जेल मिल जाता है तो वो पावर 10x बढ़ जाती है, तो सेम फॉरएवर के साथ TLF अगर मतलब TLF में फॉरएवर करो ना तो वो आपकी मतलब ग्रो करने के चांसेस 10x बढ़ जाती है। तो यही चीज मेरे साथ हुआ और मैं मतलब TLF के थ्रू FLP बिजनेस को ज्वाइन की और जिसका रिजल्ट मुझे इतना बेहतरीन मिला कि आज आपके सामने के 4 मंथ में मैंने अपने AM लेवल को अचीव किया है, और बस आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं मैनेजर लेवल भी बहुत जल्द क्वालिफाई कर लूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए दो चीजें होती हैं, मुझे क्या लगता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिर अपना बिजनेस चलाने के लिए दो चीजें होती हैं, पहला तो खुद पे कॉन्फिडेंस, दूसरा बिजनेस पे कॉन्फिडेंस, बिजनेस पे कन्विक्शन। और मुझे क्या लगता है ना ये दोनों चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, आपके अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि यार मैं कर जाऊंगी, मैं कोई भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाल लूंगी, क्योंकि देखिए चैंपियन वही है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, सीधी सी बात है प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है, बट अपन प्रॉब्लम्स के सामने कैसे खड़े हो, कैसे उनका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ फॉरएवर पे कन्विक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना इस बिजनेस को समटाइम करते हैं, आज कर लिया 2 दिन गायब हो गए, 2 दिन कर लिया 3 दिन गायब हो गए, बट मैं देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इसमें लगे हैं। और वन थिंग आपके दिमाग में है, बहुत सारे दिमाग लोगों के दिमाग में ना मंकी माइंड चलता है, आज एफिलिएट मार्केटिंग कर लूँ, आज ये वाली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर लूँ, कल वेस्टेज कर लूँ, फिर मोदी केयर कर लूँ, फिर वेलनेस कर लूँ, पता नहीं डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं। बट मैंने क्या देखा है, जितने लोग भी टॉप अचीव करते हैं यहाँ पे, टॉप अचीवर होते हैं यहाँ पे, या फिर जितने लोग भी अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस में पैसा कमा पाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो एक चीज़ पर फोकस करते हैं। तो मुझे आपके अंदर दोनों तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो दिख रही हैं, आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस तो है ही, आपको प्रॉपर कन्विक्शन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दोनों और बढ़ गए TLF का सिस्टम को लेकर, क्योंकि आपको समझ में आ गया TLF का सिस्टम काम कितना ईजिली तरीके से करता है, इंसान को थोड़ा सा समझ में आ जाए बस कैसे कराना है, कैसे रिजल्ट निकालना है, आपको बहुत अच्छे से तरीका आ गया इस कैसे रिजल्ट आपको निकलेगा, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट आप वन थिंग, आपके दिमाग में सिर्फ फॉरएवर है और कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग में कोई चीज़ अगर और आ गई वहीं डिस्ट्रैक्ट, जैसे ही डिस्ट्रैक्शन आता है ना तो इंसान दूर हो जाता है। बट मुझे क्या लगता है कि हम अपनी टीम को कैसे एक जगह फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग से उस टाइप की करते हैं, क्योंकि हम आपको ये पता है हम फॉरएवर रिलेटेड वीडियोस या फिर फॉरएवर रिलेटेड सेशन सारे नहीं करते हैं, हाँ हफ्ते में 2-3 फॉरएवर रिलेटेड हो जाते हैं, इसके अलावा हमारा जो सेशन होता है आपको पता है माइंडसेट रिलेटेड होते हैं, हम आपको माइंड से ग्रो करना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनलिटी डेवलप करना चाहते हैं, हम ऐसे स्किल्स आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, अगर वो स्किल्स डेवलप हो गए आप जिंदगी में कभी फॉरएवर छोड़ेंगे नहीं, TLF कभी छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि उनके अपने डाउनलाइंस के दिमाग में ना फॉरएवर बनना चाहते हैं, बट ये डिफरेंट चीज़ हो गई है, आजकल दिमाग में फॉरएवर में भरी है, फॉरएवर तो भरी जाएगा उसके दिमाग में, फिर जो भी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एक्चुअल उसके दिमाग में भरनी है कन्विक्शन इस इंडस्ट्री को लेके, एक्चुअली उसके दिमाग में भरना है कि सच में यहाँ पे पैसा आता है, वो कॉन्फिडेंस फील करेगा यार नहीं यार ये बिजनेस सच में काम करता है, या फिर उसके अंदर ऐसे स्किल्स भरी है कि वो कल को कुछ भी काम कर रहा है अपने उसकी पर्सनल ब्रांड अगर बन गई वो जिंदगी में आप वही भूले ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि आपके जैसे अच्छे लोगों को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और आप लोग हमारी टीम को ज्वाइन करके अच्छा बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। सो ये थी प्रिया केशरी जिन्होंने 4 से 5 मंथ के अंदर ज्वाइन करके अपना AM क्वालिफाई किया। जी कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, मुझे कुछ बोलना है कि देखिए मतलब अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, एक लोगों का माइंडसेट होता है ना कि जैसे मतलब आज ज्वेलरी की शॉप खोल ली वहां पे क्योंकि बहुत पैसा है, ठीक है एक दुकान खोल लिया फिर नहीं चला पैसे इन्वेस्ट कर लिए, फिर यार ज्वेलरी में तो इतना पैसे लगते हैं, चलो मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा है, फिर मैं थोड़ा दूसरा रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ क्योंकि आते जाते लोग वहां आ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम किसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे, आज यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया कल दूसरे बिजनेस को स्टार्ट किया, तो फिर वो लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ इधर उधर जाके उनका बल्कि और ज्यादा पैसे ही लगेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बस शॉर्ट टाइम में मुझे पैसा मिल जाए। तो ये बिजनेस मतलब बिजनेस कोई भी हो वो ऐसा नहीं, अगर बिजनेस करो जॉब करो पैसे कोई आपको घर बैठे नहीं देने वाला है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप जॉब भी करते हो तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ाई करते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उसके लिए भी मतलब पढ़ाई तो करती हो साथ में उस
लेवल को मतलब अचीव करने के लिए उसको सॉरी लेवल को अचीव करने के लिए नहीं मतलब जॉब को करने के लिए पाने के लिए अपना सिलेक्शन कराने के लिए कितने बुक्स पे इन्वेस्ट करते हो, कोचिंग लेते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि कुछ भी चीज अगर आप सोचोगे घर बैठे ईजली तरीके से मिल जाता है तो वो तो सिर्फ फ्रॉड ही होता है, क्योंकि ईजी तरीका कुछ भी नहीं है पैसे को अर्न करने का। अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है लेकिन मंजिल आपको मिलेगी जरूर। और अगर गलत तरीके से आप 10 जगह पैसे लगाओगे कि अरे यार यहाँ 3,000 लगा दिया वहाँ 10,000 लगा दिया तो इस बिजनेस में चले जाओ उस बिजनेस में, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, वो सिर्फ इधर उधर जाके बल्कि और ज्यादा पैसे डुबा सकता है। तो यही मेरा कहना है कि जो भी इस बिजनेस को कर रहा है सही तरीके से करना जरूरी है। और मतलब अगर आप दो तरीका होता है, एक अगर आप किसी को सामने से अप्रोच भी कर रहे हो तो भी यहाँ रिजेक्शन के चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास जा रहे हो तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो दो तरीका है, एक जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और दूसरा है कि हाँ आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डायरेक्शन आप पहले पता करो कि सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ रहा है, अगर आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो वहां रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आप निगेटिव फील करोगे, और जब निगेटिव होगे तो यही होगा कि आपको लगेगा FLP बेकार है, फॉरएवर बेकार है। तो चाहे कोई भी चीज करो आप सही डायरेक्शन में करो और सही तरीके से करो तो डेफिनेटली ग्रो करोगे, जो कि मैंने किया, क्योंकि मुझे TLF में किसी को अप्रोच करना ही नहीं पड़ा, लोग सामने से जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो हमारे पास आए, मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ा, इसलिए मैं इजिली क्लोजिंग करा पाई। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि लोग हमारे ऑटोमेशन बिजनेस फनल को देख के भी खुद से मतलब वहां से क्लोजिंग हो गई, या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल किए कि मैंने आपके वीडियो के थ्रू सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, अब मुझे ज्वाइन करनी है। तो जैसे मतलब अगर हम इस तरह से किसी को फोन करके बोलेंगे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लो 30,000 लगेंगे तो लोग ये कहेंगे हम 30,000 क्यों दें, लेकिन यहाँ पे लोगों को पता है कि उन्हें क्यों देने हैं 30,000, तो उनके लिए 30,000 की अमाउंट बड़ी नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस 30,000 के बदले उनको क्या मिलने वाला है। तो यही चीजें हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है कि दूसरों को एजुकेट कर सके, हेल्प कर सके। और एक और भी गुड न्यूज है कि अब तो हम लोग मतलब इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी करने वाले हैं, अभी तक तो कंटेंट क्रिएट कर ही रहे थे, यहाँ से तो अर्निंग हो ही रही थी, 5 इनकम सोर्सेस थे ही हमारे पास, अब छठा इनकम सोर्स भी ऐड होने वाला है जो कि इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। तो हम बहुत हैप्पी और बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेके। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हाउसवाइफ हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो जरूर आप कॉन्टेक्ट करो और TLF के थ्रू इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करो। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना कन्विक्शन भरा पड़ा है इनके खुद के अंदर भी, खुद की पर्सनालिटी के अंदर भी, अलॉन्ग विद दैट बिजनेस के अंदर भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, ये थी प्रिया केसरी UP से जिन्होंने अपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया विद 78 CC। जल्द ही अगर देखते हैं अगर सबके साथ दिया तो डेफिनेटली हम मैनेजर की वीडियो भी बनाएंगे, अभी देखते हैं कितने CC बाकी हैं, तो उसी हिसाब से लगे हुए हैं, लीड्स बहुत हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, लीड्स को सिर्फ कन्वर्ट करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।